वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था क्या डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के दो टाइप्स होते हैं, पहला है हमारा क्या प्री और दूसरा है क्या हमारा पोस्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, साइक्लोन आर द ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय द विंड ब्लो अराउंड सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो साइक्लोन होती है यानी चक्रवात जो होती है वो क्या होता है, एक ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म यानी कि एक बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा सा क्या रिवॉल्विंग यानी कि वो सर्कुलर टाइप का जो मोशन होता है। ठीक है, उसका एक क्या है, एक स्टॉर्म बनाता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है हमारा विंड ब्लो यानी जो हवाएं चलती है किसके अराउंड से, एक सेंटर के एरिया के हिसाब से कैसे चलती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू यानी कि एटमॉस्फेयर उसको प्रेशर देता है तो वो क्या करती है, जो विंड चलती है वो क्या करती है सर्कुलरी रिवॉल्विंग ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिवॉल्विंग होती है गोल सर्कुलर किसके थ्रू होती है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। उस किस में होती है, वाटर में होती है, एयर में होती है या सॉयल में होती है, धूल में होती है, किसी भी तरह से हो सकती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है साइक्लोन आर कॉल्ड हुरेकन। यानी कि जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हुरेकन या टाइफोन। ठीक है, अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठीक है यानी कि हमारा ऊपर की ओर यानी कि किधर जिधर जम्मू एंड कश्मीर है जिधर हमारा उत्तर प्रदेश नॉर्थन है वो क्या हमारा वो क्या उसको उधर अगर साइक्लोन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हुरेकन। ठीक है, और अगर उसको और क्या बोलते हैं हम लोग टाइफोन बोलते हैं। ठीक है, एंड द विंड ब्लो इन द एंटी क्लॉक वाइज यानी कि जो वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ठीक है वो कैसे चलती है हमारी एंटी क्लॉक वाइज यानी कि हमारा उल्टा घड़ी का जस्ट उल्टा, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉक वाइज उसको हम क्या बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज, किसका घड़ी के जस्ट उल्टा सर्कुलर में वो वहाँ पे चलती है। ठीक है, इन साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारे नीचे का जो भाग है ठीक है किधर हमारा जो नॉर्थ है ठीक है उधर उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रिपिकल स्टॉर्म आर नोन एज साइक्लोन। यानी कि उधर जो भी ट्रिपिकल स्टॉर्म होगा ठीक है जो भी उधर हवाएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे साइक्लोन। ठीक है, हूज विंड ब्लो इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी कि वहाँ पे जो विंड बहेगी वो कौन सी होगी हमारी क्लॉक वाइज डायरेक्शन की होगी। ठीक है, ये देखो एक सर्कुलर ये फिगर क्या शो कर रहा है हमारा एक सर्कुलर क्या बना रहा है हमारा रिवॉल्विंग ह्यूज बड़ा सा क्या है बहुत बड़ा क्या है एक सर्कुलर ब्लो है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है हमारा एक सेंटर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सेंटर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सेंटर पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है ऐसे ऐसे बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है हमारा जैसे जैसे हमारी विंड हवाएं चल रही है वैसे वैसे क्या कर रहा है क्रिएट ये कर रहा है। ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा चक्रवात कहलाता है या हमारा साइक्लोन। ठीक है, ये पानी में आ रहा है तो इसको हम लोग वाटर साइक्लोन कहेंगे, अगर सॉयल में आएगा तो हमारा सॉयल साइक्लोन होगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं वाटर और सॉयल के नहीं के थ्रू जानते लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे जानते हैं साइक्लोन की थ्रू जानते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हमारा जो साइक्लोन है वो कैसे हमारा बनता है या साइक्लोन हमारा कैसे ऑकर करता है। ठीक है, कैसे हमारा साइक्लोन आता है। ठीक है, लिखा है हमारा साइक्लोन डेवलप ओवर द वार्म सी नियर द इक्वेटर यानी कि जब हमारे समुद्र में क्या आती है गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी ओवर बहुत ज़्यादा ओवर गर्मी डेवलप हो जाती है कहाँ से हमारा नियर द इक्वेटर यानी कि एकदम जो बीचों बीच में इक्वेटर जानते हो ना जो क्या है ऐसी मध्य रेखा जो मध्य रेखा है ना जो कहाँ किसको दो भाग में तोड़ती है किसको अर्थ को यानी पृथ्वी को दो भागों में तोड़ती है। ठीक है, उसमें क्या होता है जो हमारा सी है ठीक उसके उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है वार्म डेवलप होता है नियर द इक्वेटर इक्वेटर के पास। ठीक है, तभी क्या होता है हमारा साइक्लोन डेवलप होता है। ठीक है, फिर क्या होता है एयर हीटेड बाय द सन राइज वेरी स्विफ्टली यानी कि जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं वो सन के जो रेज होती हैं यानी जो सन की सूरज की जो किरणें होती हैं उससे क्या होती हैं बहुत ज़्यादा हीटेड होती हैं। ठीक है, विच क्रिएट द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर वो क्या करती हैं हमारा जो जो एरिया है वहाँ पे क्या करती हैं बहुत ज़्यादा कम प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करती हैं बनाती हैं।
ठीक है, एज द वार्म एयर राइज, यानी कि जैसे जैसे हमारी वार्म एयर क्या होती है, बहुत ज्यादा जो गर्म हवा है वो क्या होती है, राइज होती है, इट बिकम द लोडेड विद द मॉइस्चर विद कंडेंसेशन इन टू द मैसिव थंडर क्लाउड। यानी कि जैसे जैसे हमारा वार्म एयर राइज होगा वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोड करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्या होगा, भारी होगा, वो क्या करेगा, वो कंडेंसेशन यानी कि जो बादल बनने में मदद करेगा, ठीक, उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा वो क्या करेगा, जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो भार होगा मॉइस्चर का बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी वो क्या करेगा, जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा यानी कि बादल बनने का जो, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब होता है जो हमारे पेड़ पौधों पे जो भी हमारा क्या कहते हैं मॉइस्चर रह गया है, ठीक, वो क्या करता है, हीट के थ्रू क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, उससे क्या होगा, जो उससे क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा मैसिव थंडर क्लाउड यानी कि बहुत ज्यादा भारी बर्फीला जो वो होगा यानी बादल बनेगा, ठीक है। कूल एयर रशेस इन टू फिल इन द वॉइड दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो हमारी ठंडी एयर है उस क्लाउड के वो क्या करेंगे, जैसे यानी कि जो उसके अंदर जो छेद होंगे, जो बादलों के अंदर छेद होंगे, उसको क्या करेंगे, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या होगी, नहीं होगा, रश मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होगी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होंगी, तो उसमें ठंडी हवाएं जो वॉइड्स के अंदर जाएंगी तो वो क्या करेंगी, लेफ्ट हो जाएंगी, यानी कि वो बाहर चली जाएंगी। बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट टर्निंग ऑफ द अर्थ और इट्स एक्सेस, यानी कि क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टेंट जो अर्थ है का एक्सेस है यानी कि एकदम बीचों बीच का है, इसीलिए वो क्या होंगी, जो हमारी ठंडी हवा है वो क्या हो जाएंगी, हमारा वॉइड से बाहर चली जाएंगी, ठीक है। द एयर इज अ बेंड इनवर्ड एंड देन स्पायरल अपडेट विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि जब वो एयर क्या हो जाएंगी इनवर्ड, यानी कि जब हमारे अंदर बाहर अंदर की ओर नहीं जा पाएंगी तो वो क्या करेंगी, बहुत ज्यादा स्पायरल यानी कि गोल गोल घूमने लगे, स्पायरल, ठीक है, स्पायरल का मतलब होता है हमारा ओवर की तरह, यानी गोल गोल की तरह वो घूमने लगी है, इनवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। द स्वेलिंग विंग जो है पास कर, यानी कि जो हमारी स्वेलिंग विंग है वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे, गोल गोल वो घूमती जाएंगी, ठीक है। फिर वही उसी एंड फास्टर यानी कि और ज्यादा फास्टर होती रहेंगी, फॉर्मिंग ए ह्यूज सर्किल विच कैन बी अप टू 2000 किलोमीटर अक्रॉस, यानी कि जब वो सर्किल बनाने लगेगी, जब वो ब्रिज बनाने लगेगी तो क्या होगा, धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि वो क्या हो जाएंगी, 200 किलोमीटर अक्रॉस कर देंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इन ए क्लैम, यानी कि जो उसके बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, क्लाउडनेस एरिया कॉल्ड द आइस, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, आइस, यानी कि जो उस सेंटर का जो बीचों बीच एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक है। वेयर देयर इज नो रेन एंड द विंड आर फेयरली लाइट, यानी कि जो सेंटर का एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, ठीक, वहां पे क्या होगी, वहां पे बारिश नहीं होगी, ठीक है, और जो वहां पे विंड होगा वो कैसा होगा, फेयरली लाइट यानी बहुत ज्यादा हल्का होगा, ठीक है, समझ में आया कि ये साइक्लोन कैसे आता है हमारा। देखो ये फिगर है, फिगर वाइज जो हमने बताया अभी ऑकरेंस का कैसे बनता है हमारा, देखो यहाँ पे ईपीजी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइस बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइस। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी यानी कोई भी यहाँ पे रेन नहीं होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो एयर होगी वो क्या होगी, हमारी पूरी तरह से लाइटली वार्म होगी यानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, हल्की गर्म होगी, लेकिन ये जो बाकी का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हैवी वार्म एयर होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एज द साइक्लोन बिल्ड अप इट बिगेन टू मूव, यानी कि जैसे ही हमारा जब साइक्लोन बन जाता है, ठीक है, वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे वो क्या करने मूव करने लगता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करने लगता है, ठीक है। इट इज अ सस्टेन बाई स्टडी फ्लो ऑफ वॉर्म, यानी स्टडी फ्लो मतलब, स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जो चीज जहाँ पे है, ठीक है, वो अगर उस पर अगर उसमें हमने क्या कहते हैं फोर्स लगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे वो चेंज होगा, लेकिन फिर अपने स्थान पे वापस
नहीं आएगा, ठीक है। स्टेडी फ्लो का मतलब यही होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव किया, किसके साथ, गर्मी के साथ और मॉइस्ट एयर के साथ, किसके ज्यादा, वार्म के साथ और मॉइस्ट एयर के साथ, ठीक है। मॉइस्ट एयर मीन्स जब हवाएं चलेंगी तो उसके साथ क्या होगा, मॉइस्चर भी उसके साथ होगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट रेन आर फाउंड इन द टावरिंग क्लाउड विच इमर्ज इन टू द वॉल अबाउट 20 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द स्टॉर्म सेंटर। यानी कि जो हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होगी, यानी कि बहुत तेज वाली विंड होगी और हैवीएस्ट रेन, यानी बहुत ज्यादा भारी रेन होगी, वो कहाँ पे फाउंड होगी, वो क्या करेगी, जो क्लाउड है, ठीक है, उसको क्या करेगी, बहुत तेजी से किसी वॉल पे या किसी चीज पे वो क्या करेगी, 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है, के रेंज से वो क्या करेगी, स्टॉर्म सेंटर पे प्रेशर डालेगी, ठीक है। फिर क्या करेगी, विंड अराउंड द आइस कैन रीच स्पीड अप टू 200 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हमारे आइस पे, यानी कि एकदम जो सेंटर वाला पार्ट होगा वहां पे जो स्पीड होगी, वहां पर कितनी स्पीड होगी हमारी, 200 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो आइस से स्पीड होगी, यानी कि मूव करने की, वो कितना होगा हमारा, 200 किलोमीटर पर आवर पे होगी, ठीक है। एंड द फुली डेवलप्ड साइक्लोन पंप आउट द आउट अबाउट 2 million tons ऑफ एयर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही वो जैसे ही जो आइस 200 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगी, वो क्या करेगी, जो हमारा साइक्लोन है, ठीक है, उसको पंप करेगी, ठीक है। पंप करने का मतलब उसको आगे की ओर बढ़ाएगी, ठीक है। वो कितना दूर, कितने दूर से, कितना तेजी से जाएगा, वो हमारे 2 million tons से, सोचो 2 million tons ऑफ एयर पर सेकेंड, यानी कि 2 million ton पर सेकेंड एयर के थ्रू उससे जाएगी। इसीलिए साइक्लोन से बहुत ज्यादा क्या होता है हमारा, डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि बहुत सी बिल्डिंगें पूरी तरह से गिर जाती हैं। इसीलिए फोर्स से कभी देखे होंगे, पानी भी अगर अगर आपके मुंह पे फोर्स आती है तो कभी स्किन पे चोट टाइप से लगती है। वो किस वजह से आती है, वो एज ए सेकेंड पे आती है, ठीक है, वो एक एज ए स्पीड पे आती है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, चोट लगती है। देखिए एयर के थ्रू है, यानी कि 2 million ton या एयर पर सेकेंड पे वो क्या करेगा, पंप करेगा एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, दिस रिजल्ट इज मोर रेनिंग वी कैन रिलीज इन अ डे देन फॉल इन द एयर इन अ सिटी लाइक लंदन। यानी कि ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा क्या करेगा, बारिश को क्या करेगा, हमारा रिलीज करेगा, यानी कि लाएगा, ठीक है, एक दिन में। देन क्या होगा, वो पूरा जो सिटी होगा वो क्या करेगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या खत्म हो जाएगी या डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा 3 separate system है क्या, साइक्लोन का, यानी कि मूव कर रहा है साइक्लोन, जो हमारा एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। सबसे पहला ये क्या है, देखो ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है हमारा, ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, कोई भी फॉर्मेशन क्या, आइस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ये जो हमारा मूव आया, देखो ये क्या, किसके थ्रू है हमारा, वार्म विंड के थ्रू है, ठीक। तो ये वार्म और इधर वार्म, इसको इसको ट्रांसफर किया, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ आइस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ आइस हो रहा है, जिसके किसके थ्रू हो रहा है हमारा, जो बहुत ज्यादा हैवीएस्ट विंड के थ्रू हो रहा है हमारा, और सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड के थ्रू हो रहा है, और किसके तरह हो रहा है हमारा, हैवीएस्ट रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जितना तेजी से बारिश होगा, जितनी तेजी से विंड होगा, उतनी साइक्लोन का क्या, 3 separate में वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि व्हेन और वेयर डू साइक्लोन ऑकर, यानी कि कहां और कैसे साइक्लोन ऑकर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा साइक्लोन बिगिंस इन द ट्रॉपिक रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जानते हैं ना, इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिकल जो है, उधर जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न है, क्या क्या हमारा, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, और क्या है हमारा, ज्यादा से ज्यादा क्या हमारा स्पेसिफिक आइसलैंड, ठीक है, वहां पे इनका क्या होता है, साइक्लोन का बहुत ज्यादा ऑकरेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दे सम टाइम ड्रिफ्ट इन टू द टेम्परेचर कोस्टल एरिया, यानी कि ऐसी जगह पे भी आ जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, कोस्टल एरिया हो, जैसे कि हमारे रेत जहाँ पे रेत हो, ठीक है, वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक। जो साइक्लोन है वो क्या, किस पे डिपेंड है हमारा, टेम्परेचर पे और हैवीएस्ट विंड पे, ठीक है, और वार्म एयर पे, ये तीन चीजों पर हमारा डिपेंड है, ठीक। तो समटाइम्स ये कभी कभी कहाँ पे आ जाता है हमारा, कोस्टल एरिया में भी आता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा
ठीक है, क्रिएटिंग मोर हैवियर पॉपुलेटेड रीजन टू द साउथ, यानी कि और कहाँ जो है बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कहाँ पे हमारा साउथ है, ठीक है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अबाउट 4 और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर टाइम वेट सीजन, यानी कि जो हमारा क्या है, हमारा जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है वो क्या करता है कि वो उसमें वहाँ पे क्या होता है हमारा 4 से 5 बार क्या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, एवरी ईयर यानी कि हर साल वहाँ पे क्या होता है समर टाइम में, वेट सीजन में यानी कि एकदम गीले सीजन में, ठीक है, वहां पे क्या होता है 4 से 5 बार क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाता है, यानी कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्मली होता है, ज्यादा हैवीएस्ट नहीं होता है, ठीक है। कनेक्टेड फॉर ए साइक्लोन टू डेवलप, यानी कि एक साइक्लोन को डेवलप होने में द सी सरफेस मस्ट बी हैव ए टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी कि एक साइक्लोन को डेवलप होने में जो ए सी का सरफेस है वो कितना सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि उसके जो सतह का तापमान है वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट हमारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लियर क्लियर नहीं है, देखो ये क्या हमारा ट्रैकिंग है, यानी कि जो हमारे साइक्लोन कैसे कैसे ट्रैक करता है, ठीक है, साइक्लोन देखो यहाँ से ये क्या है हमारा डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ से एक साइक्लोन स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक साइक्लोन यहाँ पे गया वो क्या है उसका जो टाइमिंग था ड्यूरेशन था वो क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक, जैसे जैसे देख रहे हो ट्रैकिंग जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है जो उसकी क्या कहते हैं ड्यूरेशन है बढ़ने की मूव करने की वो क्या हो रही है धीरे धीरे क्या हो रही है हमारा कम होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है और कम होते होते हो क्या हो रही है एकदम एक दूसरे से सटने लग रही है, ठीक, फिर जब एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा हैवीएस्ट हो जाते हैं या स्ट्रांगेस्ट विंड हो जाती है तो फिर क्या करते हैं सेपरेटली अपने आप को अलग करने लगती है धीरे धीरे, लेकिन वो भी कैसे करती है बहुत ज्यादा नहीं वो धीरे धीरे हल्के हल्के वो उनमें होता रहता है, तो ये क्या हमारा एक ट्रैकिंग है कि हम अपने साइक्लोन को कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे कैसे हमारा ट्रांसफर होता है या मूव होता है, ठीक है। ये रीजन है कहाँ कहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ चुका है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो क्या है 1945 से 19 सॉरी 2006 तक के बीच में ये कहाँ का आ चुका है, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या फिगर, फिगर के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, देखो आइस क्या है हमारा आइस क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ना ज्यादा यहाँ पे बारिश है और एकदम लाइटली वार्म एयर है, ठीक है, ये क्या कर रही है हमारी सर्कुलेट कर रही है, सर्कुलेट करने के बाद क्या करिए धीरे धीरे ये इधर से उधर क्या करिए पूरा ट्रांसफर करिए अपना वाटर, ठीक है, फिर इसमें कौन सा है जो जो इसमें किसके थ्रू कौन सा करंट के थ्रू ये हमारा जा रही है, ठीक है, तो वो कौन सा करंट है हमारा कॉन्वेक्शन करंट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये क्या हमारा ये जो लाइन है इसको ये जो विंड्स हैं, ठीक है, जब ये विंड्स नीचे की ओर आएंगी तो वो क्या करेंगी विंड्स वो फैलेंगी, ठीक है, उन विंड्स को हम क्या बोलते हैं हुराइकन विंड्स और रेन, यानी कि बारिश के थ्रू जो उनके अंदर विंड्स होंगी वो उसको हम क्या बोलेंगे होराइकन विंड्स या रेन, होराइकन को हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ठीक, ये ट्रॉपिकल कैसे आ रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दोनों एरिया की वजह से हम इसका नाम दे दिया गया क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। डेंसर कूल डेंसर एयर, यानी कूल डेंसर मतलब कि डेंसर मीडियम जानते ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में पढ़े ही होंगे या इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो गए कि डेंसर क्या होता है, डेंसर का मीन्स होता है कि जो हमारी गर्म हवा है, ठीक है, वो क्या है हमारे उसी वाटर में क्या कर रही है सर्कुलेट कर रही है, ठीक, लेकिन जो हमारी कूल एयर है वो किसके थ्रू हमारे निकल जा रही है जो डेंसर डेंसर एरिया है उसके थ्रू निकल जा रही है, साइक्लोन में कभी भी जो कूल एयर है यानी जो ठंडी हवा है वो इंटर करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पे वॉइड्स पूरी तरह से उनको क्या कर देते हैं लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है हमारी जो कूलर डेंसर एरिया है वो क्या हो रही है बाहर की ओर निकल चली जा रही है, ठीक है, लेकिन जो वार्म मॉइस्चर है वो वार्म ये जो इस एरिया में इस एरिया में जो इस एरिया में इस एरिया में क्या है हमारा वार्म एयर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न, यानी कि नॉर्दर्न में जो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये देखो हमारे क्या है ये देखो
क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ये आई से, आई से जो हमारी एयर, ये यहाँ से फॉलोइंग विंड्स कर रही है, ठीक है। आई क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है किसका, हमारा ऊपर की ओर, किसका, बहुत तेजी से जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड को क्या कर रही है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर उछाल रही है, ठीक। उस उछालने से जो क्या हो रही है, एक पूरी तरह से जो हमारा सर्कुलर फोर्स लग रहा है उसकी तरह से सर्कुलेशन बना रही है, ठीक है। उस सर्कुलेशन से वो क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ट्रॉपिकल साइक्लोन, कैसे कैसे हमारा इधर की ओर ट्रांसफर होता है, ठीक है। आउटर फ्लो, ये जो, ये जब जाएगी, जब ऊपर की जो विंड्स हैं या बहुत तेज स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, वो क्या करेंगे, हमारा आउटर फ्लो की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये अब देखो सुनो, उसमें क्या था, जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन था नॉर्दर्न में, वो क्या था हमारा, ये किधर की ओर मूव कर रही है, हमारा क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। उधर ये किसकी तरफ मूव कर रही है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा नॉर्दर्न में, वो किधर मूव कर रही है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, नॉर्दर्न में। लेकिन जो हमारा, अगर हमारा साउथर्न में होगा, वो क्या होगा, जस्ट हमारा अपोजिट होगा, ठीक। यही दोनों डिफरेंस है किसमें, हमारा साउथर्न में और नॉर्थर्न में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो फिगर है, वहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा। लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न में देखो ये क्या कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही बेसिक क्या हमारा स्ट्रक्चर है किसका, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दोनों दिखा दिया है कि अगर हमारा बहुत ज्यादा हाई विंड है, ठीक है, तो वो किस तरफ मूव करेगी, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, बहुत ज्यादा अगर है, ठीक है, तो वो किस तरफ मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो की तरफ, ठीक है। फिर जो अगर हमारा साइक्लोन अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर वाला है, तो वो किधर मूव करेगा, हमारा साइक्लोनिक फ्लो, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम आते हैं आइस पे, ठीक है। आइस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक। आइस क्या है, यहाँ पे हमने जो, ये जो सेंटर पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आइस, ठीक है। ये क्या हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइस, ठीक। अब आइस क्या हो रही है, आइस पे यहाँ जो है वार्म एयर है या ठंडी हवा है या जो हमारी बहुत ज्यादा हैवी रेन, वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक। वो प्रेशर जब कंस्ट्रक्ट होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक आई वॉल के फॉर्मेशन होता है। वो आई वॉल क्या करता है, उसमें जो हवाएं होती है वो उसको इतनी तेज कर देती है कि वो जो मूवमेंट है वो क्या कर देता है, ऊपर की ओर भागने लगता है, ठीक है। कभी देखे होंगे हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में अगर हम हल्का सा भी एक चीज बीच में डालते हैं, फिर हल्का सा घुमाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आइस बनाता है। आइस का मीन जो बीचों बीच का हिस्सा होता है, आंख की तरह होता है, वो क्या करे, उसमें क्या करे, उसमें प्रेशर बनाएगा, और जब भी हम घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो, जब हम प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर से क्या होता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, हल्का प्रेशर होता है, लेकिन जो वाटर का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा अपोजिशन वाला होता है, वो ऊपर की ओर भागता है, ठीक है। उस ऊपर के भागने की वजह से क्या होता है कि ऊपर की ओर ये जो क्या वॉल फॉर्मेशन करता है, ये, ठीक है, ये वॉल फॉर्मेशन करता है, ठीक। उससे क्या होता है, जो हमारी विंड है वो ऊपर की जो ओर भागती है, ठीक है। देखे होगे जब उसके अंदर प्रेशर लगाते हैं, तो वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आने लगता है, ठीक। तो उसके, इसी की वजह से क्या होता है हमारा, और जब और हवाएं तेज चलेंगी, हम तो हवाएं दे नहीं सकते बाल्टी में, लेकिन लेकिन हम प्रेशर लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारा वाटर का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे जैसे हम उसको, इसको विंड मिलती रहती है, यानी हवाएं इसको बहुत फास्ट मिलती रहती है, वो क्या करता है, ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है, ठीक। फिर जब वो प्रेशर लगाता है, तो किसी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ पूरा विंड, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ आइस, ठीक है। हाउ डू साइक्लोन ऑकर, पहले पीछे पीछे ही बताया, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। अब आते हैं हम साइक्लोन से हमें क्या क्या डेंजर है, यानी कि हमें क्या क्या खतरा है।
ठीक है। सबसे पहला है हमारा साइक्लोन क्रिएट द सेवरल डेंजरस फॉर पीपल लिविंग अराउंड द ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि साइक्लोन क्या करता है, बहुत से खतरा पैदा करता है उन लोगों के लिए जो हमारे क्या करते हैं, जहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं लोग, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है ठीक है। जैसे हमारा, हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो जैसे हमारा कहाँ पे होगा, हमारा साउथ होगा और नॉर्थ, ठीक, ये दो एरिया बहुत ज़्यादा किससे हमारा डिफेक्टेड होंगी, साइक्लोन से। ठीक है। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द साइक्लोन कम्स फ्रॉम द फेरिक विंड, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ठीक है, यानी कि किसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स का मतलब जैसे कि हम ये चीज़ लोड लगा रहे हैं तो वो अपोजिशन वाला लोड उधर से लग रहा है कि वो इसीलिए ये आगे खसक नहीं रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो साइक्लोन का, वो किसके थ्रू आता है, हमारा फेरिक विंड्स, यानी कि बहुत हैवी विंड्स के थ्रू आता है। ठीक है। दिस विंड्स आर आल्सो स्ट्रांग इनफ टू इजिली टॉपल फाइनेंसेस, शेडेड, ठीक, शेड ट्रीज, पावर पोल्स एंड ग्रेवन, यानी कि जो ये विंड क्या करती है, एक स्ट्रांग इनफ इजिली टॉपल, यानी किसी चीज को ये गिरा सकती है, जैसे कि हमारा पेड़ हो गया, पावर पोल्स हो गए। ठीक है। फिर क्या हमारा, वाइल फुरलिंग हेल्पिंग पीपुल थ्रू द एयर, यानी कि किसी इंसान के थ्रू भी, अगर एक हवा के थ्रू अगर हम चले जाएं तो वो भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइक्लोन इसको पॉसिबल कर देता है। ठीक। मैनी पीपल आर किल्ड व्हेन द साइक्लोन विंड कॉजेज बिल्डिंग टू द कोलैप्स एंड हाउसेस टू कम्प्लीटली ब्लो अवे, यानी कि कितने लोग इससे मर जाते हैं, जब क्या होता है साइक्लोन की जो हवाएं होती है वो क्या करती है, पूरे बिल्डिंग को क्या करती है, कोलैप्स कर देती है, पूरी तरह से गिरा देती हैं, और हाउसेस को कम्प्लीटली ब्लो अवे, यानी कि उड़ा ले जाती हैं। ठीक है। घरों को उड़ा ले जाती हैं, जो छोटे मोटे घर होते हैं उसको क्या करती हैं, वो उड़ा ले जाती हैं हवाएं। ठीक है। तो उससे क्या हो जाते हैं, बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ए साइक्लोन टिपिकली चुन्स अप द सी, ठीक है, यानी कि चुन्स का मीन्स होता है वो क्या करेगा, एक सी का जो, एक जैसे बाउंडर होता है ना, सी का जो बाउंडर है, साइक्लोन क्या करता है, वो कॉज करता है, यानी कि जो सी का बाउंडर उसको चौंस अप कर दे, यानी कि एक, जैसे कि हमारे जैसे एक सर्कल टाइप का चौंस होता है, यानी कि एक सर्कुलर टाइप से वो क्या करेगा, फोर्सली विंड की तरफ जाएगा, फिर उसको पूरा उठा के अपने ओर ले आएगा। ठीक है। वेव की तरह उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग स्टॉर्म सर्ज, ठीक है, उसको हम लोग स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं, जो जैसे क्या करेगा, एक बाउंडर के टाइप वो उठाएगा और उसको बहा के अपनी पूरा वाटर की ओर, सी की तरफ ले जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म सर्ज। ठीक है। द वाटर ऑफ द स्टॉर्म सर्ज दस इन इन लैंड, यानी कि वो क्या करेगा, जो वाटर होगा स्टॉर्म सर्ज में वो क्या करेगा, लैंड से क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा विद डेडली पावर, यानी कि उसके अंदर कोई भी पावर नहीं, जैसे क्या होता है, जैसे पानी का जो वो होता है, यानी देखते हो कि रेत पे आता है फिर रेत को भगा ले जाता है, ठीक है, वही होता है क्या, डेडली, उसके अंदर कोई भी पावर नहीं होगा और नॉर्मली वो सरका के जो बिल्डिंग से उसको ले जाएगा। ठीक है। फ्लडिंग लो लोइंग कोस्टल एरिया, यानी कि जो बाढ़ ला देगा किसमें, हमारा जो बहुत ज्यादा कोस्टल एरियाज होंगे, बहुत ज्यादा छोटी मोटी एरियाज होंगे। ठीक है। द रेन फ्रॉम द साइक्लोन आर आल्सो हैवी इनफ टू कॉज द सीरियस फ्लड, यानी कि जो साइक्लोन की जो रेन होगी वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन की वजह से वो क्या करेगी, बाढ़ लाएंगी, स्पेशली अलोंग रिवर एरिया, यानी कि ऐसी एरिया जहाँ पे क्या हो, रिवर हो, वहां पे क्या लाएंगी, ये बाढ़ ला सकती है। ठीक है। फिर क्या हमारा, लॉन्ग आफ्टर ए साइक्लोन हैज पास, यानी कि जैसे ही जैसे हमारा साइक्लोन आके हमारा चला गया, फिर उसके बाद जो टाइम आया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट कैन बी स्टिल बी ब्लॉक्ड बाय द फ्लड वाटर, यानी कि जो हमारी रोड है और रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, यातायात जो है वो क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, किसकी वजह से, हमारा फ्लड वाटर, यानी जो बाढ़ का पानी है। ठीक है। टेप लाइटिंग ऑफ होम, यानी कि हमारे लिए जो घर में लाइटिंग है, जो लाइट आ रही है वो टेप नहीं रहेगी। ठीक है। एंड वाटर एक्सप्लोजन ऑफ टू बिकॉज ऑफ फॉलिंग पावर सप्लाई,
यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर, यानी जो जो हमारे क्या होते हैं फूड, क्या होते हैं जो हमारे ठंडे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएंगे, क्या फेलिंग ऑफ, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई है पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, हमें पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगी। वाटर ऑफ्टेन बिकम द कंटामिनेंट फ्रॉम द डेड एनिमल्स और द रोटिंग फूड, ठीक है, यानी कि जो हमारा वाटर आएगा किसकी वजह से, हमारे जो मर चुके हुए एनिमल्स होंगे या हमारा खराब जो फसलें होंगी, और पीपुल आर थ्रेटन विद द डिजीजेज लाइक गैस्ट्रोपॉड ट्रेटिस, यानी कि उस जो वाटर उससे आएगा, यानी कि हमारा जो मरे हुए जानवर से आएगा, यानी हमारा रोटिंग ऑफ फूड, यानी क्रॉप का जो हमारे सड़ा गला पानी होगा, ठीक, या पीपुल के खून का होगा, या ठीक कुछ भी होगा, उससे क्या होगा, हमारा डिजीजेस फैलेंगी, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी, ठीक है, ये सब क्या है हमारे साइक्लोन के डेंजर्स, ठीक है। अब हमारी यूनिट खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।